जैसे आपके द्वारा वहां से आप किसी तरह अपना बाजी कुसुम आ गए और उसके बाद पुलिस को सूचना दिए, इस पर क्या कार्रवाई हो रही है और आपका क्या कहना है इस पर? देखिए 13 और 14 तारीख ये हमारा चंद्रपुर प्रखंड के केरा स्थित माँ भगवती का जो पूजा अर्चना था वहाँ पे हमारा संस्था की तरफ से, पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से निःशुल्क शरबत का पानी, चना गुड़ और चूड़ा वितरण का कार्यक्रम रखे हुए थे और हमारा संस्था के सारे सदस्य इस काम में सुबह 9:30 बजे से ही श्रद्धालु का सेवा में लगे हुए थे। और चूंकि हमारा प्रोग्राम 9 बजे से शुरू होने लगा लेकिन उससे पूर्व कल चूंकि डॉक्टर अम्बेडकर जयंती भी था तो हम जो है चक्रधरपुर रेलवे ग्राउंड में बाबा भीमराव अम्बेडकर के माला में उनके प्रतिमा में माल्यार्पण करके हम मोरबेला चले गए। मोरबेला में हमारा वो समाज सेवासा महासभा की युवा महासभा की ओर से वो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक विशेष प्रचार रथ को रवाना किया गया था। हम उस प्रोग्राम को अटेंड किए, इसके बाद 11:30 बजे हम अपना निःशुल्क पैदल शिविर में किरा मेला प्रांगण में चले गए और काफ़ी श्रद्धालुओं का संख्या था और हमको लगता करीब करीब हम लोगों ने 6,500 या 7,000 लोगों को निःशुल्क पानी पिलाने का काम कर रहे थे। उसी समय 1:30 बजे के आसपास जो मेरा वाहन चालक है, जो मेरा ड्राइवर है मुखलाल हेम्ब्रम, वो हमको अचानक फोन करता है और कहता है कि जीजा आप कहाँ हैं? तो हम बोले हम तो यहीं अभी श्रद्धालु को पानी पिला रहे हैं। तो हम उनको बोले कि क्या है बात, बोलो नहीं बोला आप वहाँ से निकल जाइए। हम बोले क्यों? तो बोले कि नहीं कुछ नकाबपोश हथियारबंद आए हुए थे और आपके बारे में पूछ रहे थे आप कहाँ हैं। तो हम बोले कैसे तुमको पता चला कि वो लोग मैंने नकाबपोश लोग हैं? तो बोले नहीं वो लोग आया और हमको दिखाया और उनके पास हथियार भी था। तो जैसे सूचना मेरे को मिला क्योंकि हम भी श्रद्धालुओं का सेवा में लगे हुए थे हमको भी सहज नहीं लगा और हम उसी समय हमको लगा कि क्योंकि मेरे साथ और भी 30-35 लोग इस काम में लगे हुए थे तो हम कुछ दोस्तों को ये खबर दिए कि हम कुछ जरूरी काम है और हम बाजी कुसुम ससुराल जा रहे हैं, आप लोग ये काम को आगे जारी रखिए। और ऐसा करके हम अपने एक दोस्त के साथ हम बाइक में चले गए बाजी कुसुम। बाजी कुसुम जाके जब हम अपने चालक को फ़ोन किए तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। उसी समय कुछ पत्रकार बंधुओं को कहाँ से जानकारी मिला कि नहीं आपके साथ कुछ इस तरह का दुर्घटना हुआ या कुछ घटना घटित हुआ का? तो बोले हमको तो मैंने जानकारी नहीं है, न हम किसी को बोले हैं। तो बोले कि नहीं हम लोग ये न्यूज़ पता चला। तो फिर हम वहाँ क्या हुआ कि हम ड्राइवर को फ़ोन के लगातार 3-4 फोन पर स्विच ऑफ था तो हम अपना संस्था में जो शिविर में जो लड़का भेजल ये में लगा हुआ था 3-4 लड़का को ड्राइवर के सामने भेजा। तो लोग गया तो लोग ड्राइवर से पूछा कि भाई मोबाइल क्यों स्विच ऑफ रखे हो? तो बोला कि नहीं 4-5 लोग आए हुए थे और उनको हथियार के बल पे सटाया, मैंने कनपट्टी में सटाया और पूछ रहा था विजय सिंह आगरे के बारे में, हम इस लीडर से हम स्विच ऑफ कर दिए। तो ये लोग लड़का लोग जो हम भेजे हुए तो लोग बोले कि तुम लोग ड्राइवर को लेकर बाजी कुसुम आ जाओ। हम बाजी कुसुम आ गए, बाजी कुसुम में चूंकि ससुराल है मेरा हम लोग वहाँ खाना वाना खाएँ। 4:30 बजे के आसपास हमारा जो भी पेयजल देने का जो काम था वो हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद सारा हमारा एनजीओ के सारे सदस्य जो भी 30-35 लोग थे उन लोग सब बाजी कुसुम में जमा हुआ और वहाँ सबसे हम लोग बात किए। बात करने के बाद फिर थाना वाला को भी इन्फॉर्म किए, फिर थाना हम लोग चले गए और हम भी अपना जो वाहन चालक है जो मेरा ड्राइवर है मुखला लेकर हम लोग उसको थाना लेकर चले गए। थाना वहाँ थाना परिवार चंद सदस्य थे और उन्होंने बताया था जो जो घटना हुआ था उनका सारा विवरण अपना कागज़ में लिख के ड्राइवर से अपने इंक्वायरी किए और इसके बाद डायरेक्ट ड्राइवर को ऑन द स्पॉट जहाँ ये घटना हुआ था वहाँ लेकर चले गए। फिर हम 2 घंटे में ड्राइवर को फ़ोन किए कि मुगलाल कहाँ हो? तो बोला कि नहीं मैं थाना में हूँ, मेरे को थाना में बैठा कर रखा हुआ। तो फिर हम 1.5-2 घंटे बाद दोबारा हम गए और वहाँ जाके फिर हम एक अज्ञात लोगों के विरुद्ध में ड्राइवर के माध्यम से ही थाना प्रभारी को एक FIR दर्ज करा के सुना दर्ज करवा दी। चालक चालक चूंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का नहीं है उसको लिखने नहीं आता तो फिर हम ही आवेदन लिख कर क्योंकि उसमें लेखक के रूप में मेरा भी नाम है थाना प्रभारी देती। अभी जैसे काम पुलिस को सूचना दिए तो दिन में ही दिए होंगे पुलिस, फिर रात को आप लोग लिखी जैसे डीआईजी साहब से बातचीत हुई थी, डीआईजी साहब से कहना था कि आप लोग लिख के दीजिए कार्रवाई होगी। हाँ तो अभी तक क्या पुलिस का कार्रवाई से क्या लग रहा है आपको,
क्या मामला आ रहा है सामने? देखिए अब हम तो बोल नहीं पाएंगे चूंकि अब ना हम किसी को जानते हैं वहां पे, ठीक है, हम तो चूंकि एक समाज सेवी है और मेरा काम विगत 5 वर्षों से, मेरा संस्था या हमारा जो संस्था पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन ये 2017 में बना हुआ और हम तभी से हमारा जो एजेंडा है सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फॉरेस्ट्री हो, वेटनरी हो, हम इसमें जो काम कर रहे हैं ये विगत 5 सालों से काम कर रहा है और अभी हम मीडिया के माध्यम से हमारे काज को आप देख रहे हैं। अभी इस साल जनवरी में हमने 50 से ज़्यादा गांवों को, वो बहुल गांव जहां आगे पूरा होता है, हम अपना संस्था के माध्यम से हमारा वो समाज का पर्व त्यौहार को बचाने के लिए जो भी हमारा रीति रिवाज है इसको आगे बढ़ाने के लिए हम हतु देवरी ग्राम मुंडा देवरी के सहयोग को लेके हमने कम से कम 1 जोड़ी 2 मांदर और 1 नगड़ा हम उतना प्रदान करके लोगों को ये एक जागरूकता देने का प्रयास किए, एक सामाजिक आंदोलन छेड़े कि भाई हमारा वो समाज में ये जो हमारा पर्व त्यौहार है आज मैंने इस पर संकट आया हुआ, चूँकि आज पर्व त्यौहार में लोग डीजे बजा के मांदर और नाच उस लोग भूल गए हैं, बजाना भूल गए, नाचना भूल गए, तब इसके प्रति एक जन जागरूकता चलाए हुए और इसके बाद और भी हमारा प्रोग्राम चलता है। ठंडा के सीजन में हम वृद्ध लोगों, असहाय लोगों, जो जरूरतमंद लोग हैं, वो चाहे 60 साल से ऊपर के स्त्री पुरुष हो या दिव्यांग विकलांग हो या विधवा जो भी हो, हम उनको ठंडा के सीजन में एक पंचायत लेवल को एक हम टारगेट करते हैं और उस पंचायत के वो चाहे मुखिया हो या वार्ड मेंबर हो या गांव के लोग, और कुछ मेरे भी अपने टीम रहते हैं, उनको हम टारगेट देते हैं और वो जो भी लिस्ट बनाते हैं वो 450 हो, 550, 600 हो, जो भी हो, इस तरह का लिस्ट मिलता है उनके बीच में हम लोग ठंडा के सीजन में कंबल बांटने का काम करते हैं और जैसे पर्व त्यौहार आता है तो पर्व त्यौहार में उनको हम लुंगी और साड़ी दे के सम्मानित करने का काम करते हैं। ये हमारा काम हमेशा चलते रहा। इसके बाद फिर जैसे ही मैंने फरवरी मार्च का समय आता है, क्योंकि हम इंसान है, हमारे साथ जीव जंतु भी रहते हैं, वो भी बीमार होते हैं, उनका भी वेटनरी कैंप लगा कर हमारा संस्था उनको भी बचाने का, उनका भी सेवा करने का काम करता है। और अभी लगातार हम चूँकि दिल्ली में रह रहे थे, दिल्ली से फिर हम रांची आए, 2010 से हम रांची में लगातार रह रहे, तब से इस क्षेत्र के लोग, पूरे कोल्हान के लोग चिकित्सा के लिए रांची आते हैं, तो उन लोगों को भी मैं रिम्स जाकर उनका चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता हूँ जो जो हमसे बंधव करवाते हैं। अभी 26 मार्च को चक्रधरपुर का नगर परिषद मैरिज हॉल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था, वो भी मानव सेवा के प्रति हमारा एक समर्पित कार्य था। उसमें भी हमारे संस्था के सभी सदस्यों के सहयोग से 170 यूनिट रक्तदान संग्रह कर हमने चंद्रपुर चैबासा के ब्लड बैंक को ये देके लोगों का सेवा करने का कार्य हम कर रहे हैं। इसी तरह का हमारा कार्य आगे चल रहा है, कार्य हमारा आगे भी चलेगा। पैसा तो कोई नहीं लग रहा कि आपका, मैंने जिस तरह से उभर रहे हैं राज्य क्षेत्र में काम के लिए, रोकने के लिए ऐसे कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा है? देखिए मैं आप लोग को, मीडिया बंधुओं या आम जनता को ये मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ और समाज सेवा के नाते लोगों का कल्याण के लिए, लोगों का भलाई के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। उन लोगों को चूंकि मेरे ऊपर विश्वास है, कुछ उनका मेरे ऊपर अपेक्षा है, उन्हीं का मैंने समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं ये काम कर, और मुझे नहीं पता है, पता नहीं इसमें इनको मेरे से दिक्कत है क्या है, यदि जिनको भी मेरे से दिक्कत है मेरे कार्यों से वो हमसे संपर्क करें और मेरे कामों के बारे जाने। मैं भी उनको बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोग इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं हमसे जुड़िए, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हम लोग समाज का सेवा क्या है, धर्म क्या है, लोगों का मानव सेवा कल्याण हम तो यही जानते हैं, संसार में हम लोग सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं, स्त्री और पुरुष जो जात है, धर्म हम यही जानते हैं, वो चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, सबसे बड़ा धर्म मेरे हिसाब से, मेरा अपना विचार है वो मानव सेवा। विजय जी लगातार सुदूरवर्ती हो, यानी हम कैसे नहीं बता सकते हैं, कह सकते हैं कि नक्सल हो या प्लेन क्षेत्र हो, संदिग्ध क्षेत्र, रात बिरात लगातार आपका कार्यक्रम रहना, चाहे सामाजिक क्षेत्र में ढोल मादक नगाड़ा का वितरण हो, सम्मानित कार्यक्रम हो, अचानक एक मेला उत्सव में इस तरह का जो स्थिति आया आपका चालक के साथ, इसको आप किस रूप से देख रहे हैं, इस पर क्या मने कल से आज तक में? देखिए ये घटना को हमको भी समझ में नहीं आया कि इस तरह का क्यों हुआ, वो भी केरा जैसे
प्रसिद्ध मेला में कितना लोगों का भीड़ भाड़ में, मुझे लगता कल मैं भी चूंकि उस भीड़ को देखा था, आप लोग भी गए होते, मुझे लगता कम से कम कल शायद हमको लगता 30,000 से ज्यादा भीड़ हो गई, और उस भीड़ में इस तरह की घटना हो जाना, पट्टी में उसको पिस्तौल सटा के पूछा जाना कि बताओ तुम्हारा बॉस डॉक्टर बी एस सिंह अगर कहाँ है, तो ये भी मेरे को समझ से परे है। अब चूंकि हम लिखित प्रशासन को पुलिस को ये दे दिए, अब ये हम उम्मीद करते हैं ये प्रशासन की काम है, क्योंकि मैं तो समाजसेवी हूँ, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी के बारे में दुष्प्रचार कर रहा हूँ, ना किसी, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ और ये मेरा काम आगे भी जारी रहेगा। इसलिए मैं उनको भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं वो मेरे मेरे ख्याल से आपको यदि तकलीफ था आप हमसे डांट बात करते थे, चूंकि वो मेरे चालक है, वाहन चालक हो, उनको जो भी हो मैंने उसको तनख्वाह देता हूँ, ठीक है, वो भी अपना परिवार के लिए अपना जीविका के लिए वो मेरे साथ आया हुआ, तो उनको इस तरह का मैंने दिखा के ये मुझे मेरे हिसाब से ये उचित नहीं लगा। अभी बातचीत के दौरान विजय जी आप बता रहे थे कुछ माफ बोल रहे आप जो है आईजी को कुछ लिखित रूप से क्या क्या लिखे? हाँ, चूंकि विभिन्न हम मैंने एकदम इंटीरियर एरिया सुदूरवर्ती क्षेत्र तो जंगल हो या नक्सल से प्रभावित क्षेत्र हो, चूंकि लोग मुझे वो बुला रहे हैं और उनके मेरे ऊपर सर एक विश्वास है, आस्था है कि विजय जी हमारे बीच में हैं, आए हुए हैं, हमारे लिए कुछ सोचते पॉजिटिव, तो हम उन्हीं के लिए बुलाने पर उस हम क्षेत्र में जा रहे हैं। अब ये मेरे को नहीं पता है कि मेरे कार्यों को लेके किनको मैंने परेशानी है क्या है, ये हमको नहीं पता, हम अपना काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, आगे भी करेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक मेरे मानव सेवा का काम जारी रहेगा। विजय जी आपके परिवार में ही आपका बड़े भाई विधायक हैं, खसना क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, खसना के विधायक हैं, सत्ता पक्ष में हैं, सत्ता पक्ष भी आप लोग की है, क्या डिस्कस हुई इस पर आपके बड़े भाई से इस पूरे पर? नहीं, कल जैसे ही घटना का जानकारी मेरे को मिला, हम सबसे पहले चूंकि मेरे गार्जियन ने मेरे को दावा था उनको बताना जरूरी था, हम उसको 2-2.5 बजे के आसपास से उनको इस घटना का जानकारी हम उनके माध्यम से उनको दे दिए थे। उस समय मेरे गांव बगल में ही एक प्रोग्राम में वो शामिल थे और वो पूछे, फिर हम 4:30 बजे जो मेरा ड्राइवर तो भी आया था उनसे भी हम डांट बात करा दिए, और उसका वही कहना था कि ठीक है अब तुम लोग सबसे पहले जाकर थाना को फोन करो, हम तब तक आ रहे हैं, और फिर हम डायरेक्ट उनके कहने के हिसाब से हम थाना चले जाएँ और जाके फिर हम आगे आपके विरोध में पूरे प्रकरण तक पुलिस की कार्रवाई का इंतजार हो रहा है। मैंने क्या करवाया आप तो लिखित रूप से दिए, मैं भी प्रशासन से यही मैंने डिमांड करूंगा, आग्रह करूंगा कि चूंकि मेरे भी परिवार हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा परिवार रांची में रहता है, बच्चे वहीं पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं दिन प्रतिदिन आज चक्रधरपुर क्षेत्र में समाज सेवा में दिन रात में लगा हुआ हूं, तो मैं भी प्रशासन से यही मांग रखूंगा कि जिस तरह की ये घटना हो रहा है, मुझे भी कुछ अज्ञात सूत्रों से इस तरह का जानकारी मिला था कि आप काम कर रहे हैं, लोग आपके कामों को देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, तो मैं इसी संबंध में रांची स्पेशल ब्रांच के आईजी सर को एक आवेदन सुरक्षा से संबंधित में दिया था, क्योंकि मेरी मैडम भी कह रही थी कि आप दिन रात इस तरह का रहते हैं, हमें चिंता रहता है, कुछ लिख देते, तो हम ये आईजी स्पेशल ब्रांच पुलिस को हम एक आवेदन सुरक्षा संबंधित हम करीब 20-25 दिन पहले ही हम दे चुके थे।